पुलिस ने इस्लामिक खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को जन अधिकारी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। तीनों कानून की वापसी पर अड़े किसान भारत बंद को चारों ओर से मिल रहा व्यापक समर्थन। किसानों के भारत बंद को वारे दलों का समर्थन। इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे सिंधु। बॉर्डर पर पहुंचे केजरीवाल, किसानों से करेंगे बातचीत। कोरोना महामारी के बीच नेपाल में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। दिलीप कुमार की 97 साल की उम्र में तबियत हुई नासाज। पत्नी सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर की दुआ करने की अपील। प्रियंका वाड्रा का बयान, बीजेपी सरकार के पास संसद महल पीएम जहाज के लिए हजारों करोड़ों, लेकिन किसानों के बकाया देने के लिए नहीं। देश के हर हिस्से में वैक्सीन को भेजने के लिए वायुसेना तैयार। ट्रंप के वकील कोरोना पॉजिटिव, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा चीनी वायरस के संपर्क में। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा।